हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। हमारा अभी एस्टरडे को नीट का एग्जाम हुआ है, तो हम नीट की जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली जितने भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हम सारे डिस्कस करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आइए हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं इन क्वेश्चन का। ठीक है, क्या होगा आप अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर हमारा ये हमको HBr का रिएक्शन करवाना था किससे, इस अल्कोहल से। ठीक है, तो देखिए पहले केस में होगा क्या, पहले केस में हमारा होगा कि यहाँ से ओ ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेगा और हमारा कुछ इस तरह से बना लेगा। देखो मैं बनाता हूँ आपको, थोड़ा मैं राइटिंग मेरी रफ़ हो जाएगी तो आप उससे घबराइएगा नहीं ना। देखिए ओ एच टू प्लस बन गया, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखो हमारा CH3, CH, C, हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और हमारा ये CH3 था ही, यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, ये कार्बोकैटायन, अब देखो ये कार्बोकैटायन ना फर्दर आप क्या करोगे, यहाँ से Br- अगले स्टेप में Br- का अटैक करवा दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब रीअरेंजमेंट कहोगे क्या, तो देखो ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो और ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन चला गया और एक मिथाइल ग्रुप तो हमारा था ही। ठीक है, और बैलेंस ही पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन और लगा दो। ठीक है, तो देखो 1-2, तो 2 पोजीशन से हाइड्रोजन उठ के इस पे गया एक पे, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। अब कहोगे सर इसको क्यों नहीं शिफ्ट कराया, तो हमारा जो ऑर्डर होता है शिफ्टिंग का वो हाइड्रोजन होता है, फिर पीएच होता है, फिर CH3। ठीक है, तो अगर कभी और आ जाए कंपेरिजन तो सबसे पहले हाइड्रोजन को कराओगे, फिर इसको। ठीक है, तो अगले अब स्टेप में हमारा Br- आएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन की जगह पर जुड़ जाएगा, तो हमारा देखो Br यहाँ आया ऐसे और वहाँ पर आके हमारा जुड़ गया और हमारा जो आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अभी जो भी ऑप्शन था वो सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, ये बेंजीन डाइजोनियन साल्ट दिया था और ये हमारा CO2Br2 दिया था। तो अगर ये आप रिएजेंट NCERT में बहुत ही दिया है, ये रिएजेंट होता है तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, Br आके जुड़ जाता है पहला रिएजेंट। ठीक है, अगले स्टेप में हमारा MG ड्राई ईथर के साथ दिया था। ठीक है ना, मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो आपको क्या कुछ नहीं कराना था, MG हमारा उठ के यहाँ पे इस केस में हमारा MG Br के साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है ना, अगले स्टेप में देखो H2O दिया था, वर्कअप के लिए होता है, तो यहाँ से ये इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव होगा, ये आके यहाँ अटैक कर लेगा और हमारा बेंजीन बना लेगा और वो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ये बेंजीन बन जाएगा। सिंपल, कुछ करना नहीं था, सिंपल ना, हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, तो आप आंसर मैच करा लो, बाकी अगर किसी को डाउट होता है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन ये था, तो HCN पहले स्टेप में दिया था, दूसरे स्टेप में कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट दिया था, तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे हमारा साइनाइड माइनस यहाँ पे जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये हमारा ओपन हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे O- हो जाएगा और यहाँ पे CN हो जाएगा। ठीक है, O- की जगह H+ आ जाएगा लेने, है ना, H+ हो जाएगा, वर्कअप हो जाता है उस। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में हमारा कंसनट्रेटेड H2S एसिड दिया है, H2SO4 एक एसिड है तो H+ लिख दिया। ठीक है, हीट दिया था, तो अब अगले स्टेप में देखो ये क्या कर देता है ना, OH को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर बताते हैं। देखो यहाँ से इसका लोन पेयर, ठीक है ना, इसका लोन पेयर हमारा क्या कर लेगा, यहाँ H+ पर अटैक कर लेगा, देखो, और इसका लोन पेयर अटैक करके उसको एसिड में चेंज OH2+ में चेंज कर दिया। ठीक है, और साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलिसिस कर देता है, आप हमेशा याद रख लो। ठीक है, COOH कर देता है। अब अगली स्टेप में ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बाहर निकल गया तो देखो हमारा कुछ इस तरीके से कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, और वो हमारा ऐसे था ही। अब अगले स्टेप में एलिमिनेशन हो जाता है, हीट भी दिया है तो हीट से हीट मिलता है एलिमिनेशन, तो चाहे हाइड्रोजन इस साइड चाहे इस साइड, इस हाइड्रोजन को यहाँ आप करा लोगे तो हमारा जो मेन आंसर होगा आप ऐसे लिख लो, चाहे इधर डबल बॉन्ड लगा लो चाहे इस साइड लगा लो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो हमारा कुछ ये आंसर आ जाएगा। देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगला रिएक्शन क्या है, ये दिखने को डरावना है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप रिएजेंट देख के समझ में आ जाएगा, ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। ये क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप अगर कहीं पर होता है तो उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब CH2 में। ठीक है ना, इसको गायब कर देता है बस, और हाइड्रोजन लगा देता है बस, कुछ नहीं, इनको गायब कर दो, दिख रहे थे और कुछ करना ही नहीं था, है ना। देखो तो यहाँ पे ऐसे हो जाता और आपको जो भी बाकी जो जैसे था वैसे बना दो,
और ये हमारा ऐसे हो जाता है, ओ ई डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल ग्रुप को गायब कर देना था, बस कुछ नहीं करना था, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो अगला हमारा पूछा था पीरीडीन का स्ट्रक्चर नहीं दिया था, मैंने बना दिया है। पीरीडीन में पूछा था कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है, ये पीरीडीन का स्ट्रक्चर होता है। तो पीरीडीन का स्ट्रक्चर मैं आप काउंट कर लूँ, देखो बेंजीन रिंग है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, ठीक है, टोटल कितने सिग्मा आ गए, 6, और एक एक हाइड्रोजन भी तो लगे हैं, देखो हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन लगे हैं, तो 6, 5, 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे, ठीक है, और 1, 2, 3 पाई बॉन्ड हो गए, और लोन पेयर कहीं दिख रहा है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है तो एक लोन पेयर नाइट्रोजन का एक लोन पेयर आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो बाकी लोन पेयर कैसे निकलता है, क्या होता है, वो हम डिटेल में बात करेंगे, और किए हैं आप देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन बस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं। देखो यहाँ पे पूछा था ना कौन हकल रूल को फॉलो करता है, मतलब हकल रूल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, सीधी सीधी बात। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमने ट्रिक बताया था, बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताया था, कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अगर वो डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड कर लो, अगर उसको 4 से डिवाइड कर लो, अगर कम्प्लीटली डिवाइड आ जाता है तो एरोमेटिक, कम्प्लीटली डिवाइड आ जाता है तो एंटी एरोमेटिक, अगर डिवाइड नहीं होता है तो एरोमेटिक। तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 डिवाइड बाई 4 करो, 4, ये डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, है ना, 2, 2, 5 जै 10 और 2, 2 जै 4, तो 5/2 कम्प्लीट नहीं, मतलब ये एरोमेटिक है, ठीक है, और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक, ये ट्रिक हमने बता रखी है। ये देखो 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3/2 आ रहा है कम्प्लीटली नहीं है, तो ये भी एरोमेटिक है, ये देखो एंटी एरोमेटिक है, 2, 2, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4 कर दो, 4 से 4 डिवाइड होगा तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ, ठीक है, और ये वाला 2, 2, 4 ये भी एंटी एरोमेटिक हुआ, ये एरोमेटिक हुआ, देखो 2 डिवाइड बाई 4 करो तो 1/2 आ रहा कम्प्लीटली नहीं, ये एरोमेटिक है, 2, ये देखो ये नॉन प्लेनर होता है क्योंकि ये टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर होता है, तो ये तो हमारा एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ये एंथ्रासी, हाँ ये एंथ्रासीन था, ये फिनोसिथीन करके नाम होता है, तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 14 डिवाइड बाई 4 कर, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा एरोमेटिक, तो 4 कंपाउंड थे जो एरोमेटिक थे, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आ जाता, बस कुछ नहीं करना। देखो अगला क्वेश्चन ये था, अब ये देख के आप डर गए होंगे, टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड जो दिया है, एल्डिहाइड को बस मतलब कि करस्पॉन्डिंग साल्ट में कन्वर्ट कर देता है, देखो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो ऑप्शन में आपके था ना वो आपको कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज बस, बाकी अगर कोई साल्ट होता तो उसका कटाइन आगे यहाँ लग जाता, बस वो कुछ नहीं करना था, बस यही सिंपल ऑक्सीडाइज कर देता है, कहने का मतलब है, ठीक है, एल्डिहाइड। देखो ये रिएक्शन था, LiLH4 दिया था, तो LiLH4 एल्डिहाइड को ना अल्कोहल में चेंज कर देता, तो CH3 और CH2OH हो जाता, कुछ नहीं करना था, ये एसिड है तो इसका लोन पेयर एसिड में वो करेगा, कार्बोकैटायन बनाता और कार्बोकैटायन यहाँ OH2 आ जाता, लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलता, और हमारा को यहाँ पे हाइड्रोजन ए डबल बॉन्ड आ जाता तो CH2 आ जाता, बात समझ पा रहे हो, ये एल्कीन आ गया, अब एल्कीन में हमारा HBr दिया है तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, Br कहीं भी जोड़ दो, तो देखो CH2CHBr, ठीक है, ये आ जाता, ये CH3 बैलेंसी, हाइड्रोजन से आप कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, बैलेंस ही पूरा करने के लिए, तो ये Br लग गया, आप इधर भी जोड़ सकते थे। अब देखो ये रिएजेंट है, अब अगले स्टेप में ये रिएजेंट और ये रिएजेंट आपको देख के सम फील आ रहा होगा कि वुड्जी रिएक्शन है, वुड्जी रिएक्शन में क्या, इस Br को हटा के बाकी को जोड़ दो, तो कुछ नहीं करना था, बस सिंपल सा रिएक्शन था, इसको हटा दो, ठीक है, CH और यहाँ पे ये इसको हटाओगे, ये CH2, यहां से इसको दोनों को जोड़ दो, CH2 और CH3, यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यहाँ से इसको देखो जोड़ दिए इस पार्ट को इसके यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब देखो ये रिएक्शन था, ये चाहिए दिया, मतलब हीट दिया है तो एलिमिनेशन का सोच लिया करो, तो यहाँ से बस वही कुछ नहीं करना था, यहाँ से ओ का लोन पेयर जाता, H+ लेता, H+ बनता, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाता। अब देखो कौन स्टेबल कार्बोकैटायन बनता, अगर ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकालोगे तो ये हमारा कुछ ऐसे बनता, देखो CH2+ बहुत स्टेबल है, ये रेजोनेंस में जा रहा है तो स्टेबल है, तो बस कुछ नहीं, ये चाहे अगले स्टेप में ये माइनस यहाँ पे आके अटैक करता और ये हमारा क्या बन जाता, CH2I बन जाता, ये आंसर। और ये वाला जो यहाँ से निकला था बाहर, ये O माइनस बाहर बन के निकला था, यहाँ पे ये H आ जाता तो अल्कोहल बन जाता, तो एक हमारा ये और ये आंसर होता, ये दोनों ऑप्शन में दिए थे, ठीक है, एक ही ऑप्शन में, ये हो गया। अगले स्टेप में देखो ये पूछा था कि विच आर द फॉलोइंग मोस्ट
ईजली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन ना कभी भी ये पूछे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देख लिया करो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा हमारा ईजिली डिहाइड्रेटेड होगा। तो आप कहोगे कार्बोकटायन तो देख ही नहीं रहा, तो एसिडिक कंडीशन दिया था तो सब में उलोन पेयर जाता अटैक करता है, एच प्लस बनता और एच प्लस बनता, यहाँ भी एच प्लस बनता, इसको बाहर निकालते ये कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कौन करता है, प्लस आई प्लस एम, ये स्टेबलाइज करते हैं। तो देखो एनओ टू तो हमारा माइनस आई लगाता है और माइनस एम लगाता है, ये डी स्टेबलाइज करेगा, तो एनओ टू वाला तो नहीं होगा, एनओ टू इसमें भी है और किसमें है, एनओ टू हमारा इसमें भी है, ठीक है ना। तो अब देखो हमारा OH2 हमारा देखो ये वाला तो हमारा कार्बोकटायन एनओ टू है, हटा दो, ये वाला कार्बोकटायन भी एनओ टू है, इसमें भी एनओ टू है, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप देखो एक बार इसे मैच कराओ, हमारा आंसर फिर यही वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें OH है और इसमें एनओ टू लग रहा है ना, और OH हमारा प्लस एम, दो दो OH हैं, प्लस एम लगाएंगे जो कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, कोशिश करेंगे आपको, और जो भी आपको अगर डाउट हो आप कोई भी क्वेश्चन का तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी ओके डियर, थैंक यू, बाय बाय।